कश्मीर घाटी में हुए एनकाउंटर में फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर मारा गया है। इसका नाम रियाज नाइकू है। रियाज नाइकू को A++ कैटेगरी का आतंकी बताया जाता है और उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू किसी वक्त में मैथ्स टीचर हुआ करता था। रियाज अहमद नाइकू बेहद कम वक्त में हिजबुल का अहम हिस्सा बन गया था। पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण, आतंकी के मरने पर बंदूकों से सलामी, इन चलनों को उसने ही शुरू किया था, जिससे हिजबुल और खतरनाक होता जा रहा था। अपनी छवि की वजह से नाइकू ने कई कश्मीरी युवाओं को आतंक की राह पर चलाया। पिछले साल रियाज अहमद नाइकू के पिता ने एक इंटरव्यू दिया था और वो बताते हैं कि बेटा नाइकू इंजीनियर बनना चाहता था। वो मैथ्स में बहुत अच्छा था और उसे कंस्ट्रक्शन के काम में भी रुचि थी। परिवार से बातचीत में पता चला कि पिता उसे उस दिन ही मरा हुआ मान चुके हैं जिस दिन वो हिजबुल में शामिल हुआ था। परिवार पूरे इंटरव्यू में ऐसे बात कर रहा था जैसे उनका बेटा 2012 में ही मर चुका हो। अब सोचने वाली बात है कि आखिर एक मैथ्स टीचर आतंकी कैसे बना। ये सब शुरू हुआ साल 2010 में। उस साल प्रदर्शन में 17 साल के अहमद मट्टू की आंसू गैस का गोला लगने से मौत हो गई। इस मौत के बाद जैसे घाटी में काफी कुछ बदल गया। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा, रायकू भी उनमें से एक था। 2012 में उसे छोड़ा गया लेकिन तब तक वो बिल्कुल बदल चुका था। फिर 2012 की ही एक रात भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के एडमिशन के लिए उसने पिता से 7,000 रुपए लिए। फिर उस रात के बाद वो कभी नहीं दिखा। महीने भर बाद पता चला कि बेटा आतंकी बन गया है। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए अपहरण दिवस की शुरुआत नाइकू ने ही की थी। साउथ कश्मीर में इस दिन 6 पुलिस वालों के घर के 11 फैमिली मेंबर को अगवा कर लिया गया था। सभी को बाद में छोड़ दिया गया था लेकिन बदले में नाइकू के पिता को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। नाइकू ने ही गन सल्यूट फिर से शुरू करवाया था। इसे आतंकी अपने कमांडर की मौत पर देते हैं। इसमें मरे हुए आतंकी के अंतिम संस्कार के दौरान हवा में गोली चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। 30 साल का नाइकू 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद वहां के लोगों के लिए आतंक का नया चेहरा बन गया था। वह अवंतीपोरा का ही रहने वाला था। पिछले साल आतंकी सबजार भट्ट की मौत के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर या मुखिया बनाया गया था। इससे पहले भी इसे कई बार घेरा गया था लेकिन वह हर बार बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। न्यूज़ डेस्क।